एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो है टॉपिक स्टार्ट किया था, तो अभी अपन आज इस लेक्चर के अंदर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही पढ़ाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो अपन ने कल बात करी थी, यानी कि लास्ट लेक्चर के अंदर बात करी थी, और आज के लेक्चर के अंदर अपन क्या बात कर रहे हैं, ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालनी है, यहाँ पे जो होगा वो जो पार्टनर है वो ड्राइंग को रेगुलर बेसिस पे करते हैं। कौन से बेसिस पे करते हैं? रेगुलर। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर ड्राइंग का टॉपिक लिया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन ने कैलकुलेट करी थी। तो ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करी थी भाई, मैं उन्होंने ड्राइंग करी किसी पार्टनर ने, फिर जून में कर ली, फिर अगस्त में कर ली, फिर दिसंबर में कर ली, फिर जनवरी में कर ली। बात समझ में आ रही है? अलग अलग अमाउंट की ड्राइंग करी थी, अलग अलग डेट पे करी थी। यहां पे ऐसा नहीं है सिस्टम, यहां पे कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है रेगुलर बेसिस पे और सेम अमाउंट के साथ। रेगुलर बेसिस पे करेगा, सेम अमाउंट के साथ करेगा, टाइम गैप सेम रहेगा। दोबारा बोल रहा हूं, रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग होगी, ठीक है, सेम अमाउंट होगी, टाइम गैप सेम होगा। जैसे एक सपोज समझना, जैसे अगर कोई एक ए पार्टनर है, पहले टॉपिक लिख देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट अपन ने अभी क्या बोला, ड्राइंग करेंगे, ठीक है, सेम अमाउंट की होगी, ठीक है, टाइम जो होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। अब जैसे ये कोई पार्टनर है, ये 2000 रुपीज की ड्राइंग करता है पर मंथ, क्या करता है, 2000 रुपीज ड्राइंग करता है पर मंथ करता है, ठीक है, तो हर मंथ 2000 2000 2000 रहेगा। तो यानी कि आप समझ गए, अमाउंट सेम है, टाइम गैप सेम है, हर मंथ कर रहा है। बात समझे कि हर मंथ कर रहा है, लेकिन अब यह भी बताया जाएगा कि मंथ में ही कब कर रहा है, मंथ के स्टार्टिंग में कर रहा है, मंथ के मिडिल में कर रहा है, मंथ के लास्ट में कर रहा है। देखो तीन कैटेगरी होती है। अगर मान के चलो कोई पार्टनर मंथली ड्राइंग कर रहा है, मंथली ड्राइंग कर रहा है कोई पार्टनर, बहुत अच्छे से समझना, समझ में आया आपको, मंथली ड्राइंग करता है, ठीक है, कोई पार्टनर, तो उसकी ड्राइंग की करने की तीन कंडीशन होती है, ठीक है, तीन कंडीशन होती है, या तो मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्ट में कर ले, या मंथ के मिडिल में, या मंथ के लास्ट में। तीन कंडीशन होंगी, स्टार्टिंग मंथ में, मिडिल मंथ में और लास्ट, मंथ के स्टार्ट में, मंथ के मिडिल में और लास्ट में, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, लास्ट ऑफ द डे ऑफ मंथ, ठीक है। अब यानी कि मंथ के स्टार्टिंग डे पे, मिडिल डे पे और लास्ट, तीन कैटेगरी होती है, तीन कंडीशन होती है ड्रॉइंग करने की, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि कोई, अब यहां पे जो हम पढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, रेगुलर बेसिस पे अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो, ठीक है, तो कंडीशन बता दिए तीन होंगी, स्टार्टिंग मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के मिडिल में और मंथ के लास्ट में, ये है ड्राइंग, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होगी, ठीक है। अगर वो स्टार्टिंग में कर रहा है तो हर मंथ स्टार्टिंग में करेगा, अगर वो मिडिल में कर रहा है तो हर मंथ कैसे करेगा, मिडिल में, अगर वो लास्ट में कर रहा है तो हर मंथ कैसे करेगा, लास्ट में, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, बस समझा भाई। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तो दे रखिए ड्राइंग करता है वो हर मंथ ड्राइंग करता है, लेकिन ये नहीं दे रखा स्टार्टिंग में करता है या मिडिल में करता है या लास्ट में करता है, तो हम हमेशा किस में मानते हैं, मिडिल में मानते हैं। जैसे अपन ने एक, जब अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन कराया था, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली थी, हमको ये तो पता था कि इंटरेस्ट जो ड्यूरिंग द ईयर कितने परसेंट से चार्ज, जैसे 9% पर एनम से चार्ज थी, ड्राइंग भी दे रखी थी पार्टनर की, लेकिन ये नहीं दे रखा था किस मंथ में करी है, कब करी है, हमें नहीं पता, हमने मिडिल माना था, यानी कि अपने 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया था एवरेज करके 1/2 या 6/12, ठीक है। तो ऐसी अगर मान के चलो ड्राइंग मंथली बेसिस पे, लेकिन ये नहीं दे रखा है कि कब ड्राइंग करिए, तो आपको हमेशा कब मानना है, मिडिल में, एवरेज होता है ये, ठीक है। अब इसको क्या फॉर्मूले है इसके, पहले वो समझते हैं कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अच्छा एक बात समझना, अगर कोई पार्टनर स्टार्टिंग में हर फर्स्ट डे पे ड्राइंग करता है, मान के चलते ईयर का जो स्टार्टिंग है वो अप्रैल टू मार्च है, ठीक है, जो सेशन है ईयर का अप्रैल से स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा, मार्च में। अगर कोई पार्टनर अप्रैल से, फर्स्ट अप्रैल से ड्राइंग करता है, यानी मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग करता है 2000 रुपए की, ठीक है, ये रहे 2000 रुपए की ड्राइंग, अप्रैल में करेगा, मई में करेगा, जून में करेगा, ऐसे करता चले जाएगा 31 मार्च तक, यानी कि कितनी बार, 12 बार ड्राइंग करेगा, अप्रैल में करेगा, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, ऐसे करता जाएगा, मार्च तक करेगा ड्राइंग, हर मंथ 2000 रुपए की, कितनी बार ड्राइंग करेगा, 12 बार ड्राइंग करेगा, ठीक, पहली बार समझ आ गई। अच्छा इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मान के चलो दे रखी होगी, जैसे 12% या मान के चलो 15%, तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारे पास आ गई, ठीक है। मान के चलते इसने 2000 की जो ड्राइंग है 12 बार करी है,
तो 2000 × 12 अगर हम करेंगे तो उसने टोटल जो ड्राइंग करी है अमाउंट के अंदर वो 24,000 रुपए करी है। यहां तक तो कोई को परेशानी नहीं, हर मंथ ड्राइंग कर रहा है, और अगर हर महीने अगर वो 2000 रुपए की ड्राइंग करेगा तो पूरे साल में वो 12 बार ड्राइंग करेगा, और 12 बार जब ड्राइंग करेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2000 करेंगे तो 24,000 की ड्राइंग हो गई। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में 12% पर एनम दे रखी है, ये हमने मान लिया, सपोज क्वेश्चन में आपको गिवन होगी तो 12% पर एनम भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इस बात का है कि इस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। मंथ का मतलब जैसे किसी ने अप्रैल में करी है, अब अप्रैल में जो भी ड्राइंग करी है उस पर पूरे के पूरे कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 12 मंथ का। भाई फर्स्ट अप्रैल को कर रहा है तो फर्स्ट अप्रैल को कर रहा है तो अप्रैल मई जून पूरे 12 महीने का चार्ज होगा, लेकिन जब उसने कब करी होगी मई में तो उस पर 11 मंथ का चार्ज होगा। भाई मई से लगाओ 31 मार्च तक, भाई कोई अगर अप्रैल से कर रहा है तो अप्रैल से लेकर मार्च तक तो 12 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर ठीक है, किसी ने अगर मई से करा है तो मई से लेकर मार्च तक इस पर 11 मंथ का चार्ज होगा। ठीक है, ऐसे अगर अपन बात करें जून में करा है तो इसमें जून से लेकर मार्च तक होगा। ठीक है, इस तरीके से चलेगा तो 10 मंथ का। तो ऐसे तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, खाता कैलकुलेट करेंगे हर अलग अलग ड्रॉइंग पे। भाई 2000 पहले इसने करें अप्रैल में तो पहले उसमें 12 महीने का लगाओ, फिर इसने करें मई में तो उसमें 11 महीने का लगाओ। बात समझ में आ रही है, अगर मंथ कैलकुलेट करो तो समझ में आ रही है ना मंथ को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जिस महीने ने ड्राइंग करी है उस दिन से 31 मार्च कितने मंथ हो रहे हैं उतने दिन का इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया टेक्निकल, तो ये तो हमारे में होता नहीं है। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हमें बस इतना निकालना होता है कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो जरा एक बार समझना, इसका एक फॉर्मूला है और उसको आपको समझना है। अगर क्वेश्चन पूरे के पूरे पहले ढंग से समझे पूरे, अगर क्वेश्चन पूरे के पूरे 12 मंथ का है, 12 मंथ का मतलब पूरी फर्म का जो क्वेश्चन है यानी फर्स्ट अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पूरे 12 महीने का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला बनता है स्टार्टिंग के लिए n+1/2। n यानी कि 12 महीने, हर महीने ड्राइंग कर रहा है इसलिए वन वर्ड यूज कर रहे हैं, वन हर मंथ एक। ठीक है, अपॉन टू, तो इसका मतलब इसमें 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, इसपे 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब कैसे करेंगे, देखो इसने 12 बार ड्रॉइंग करी है 2000 रुपए पर मंथ, तो यानी कि 24,000। ठीक है, ये तो गई अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, फॉर्मूला वही है जो लिखवाया था, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होगी वो 12% है, 12/100, और कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा वो लिख रहा है 6.5/12। बात समझ में आ रही है क्या, इसका फॉर्मूला n+1/2, हर मंथ ड्रॉइंग कर रहा है और क्वेश्चन पूरे कितने महीने का, 12 महीने का। दो चीज क्वेश्चन में समझनी है, क्वेश्चन पूरे 12 महीने का तो n तो होता है क्वेश्चन कितने महीने का उसे कहते हैं n, 12 मंथ का इसलिए वर्ड लिया 12, हर मंथ कर रहा है इसलिए 1/2 फॉर्मूला, दैट्स इट। अगर मिडिल में करेगा तो फॉर्मूला बनेगा जी n/2, यानी कि 12/2 यानी कि 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर कोई पार्टनर मिडिल ऑफ द मंथ ड्रॉइंग करता है, मिडिल में करेगा, मंथ के मिडिल में, तो वही करेगा तो वही 12 बार ड्रॉइंग ही होगी, तो 24,000 रहेगा इंटू 12% रहेगा और इंटू 6/12 रहेगा। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमारे मंथ कितने मंथ का इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है, कोई समस्या है इसमें, अभी आगे चलते हैं। अगर लास्ट में करेगा तो फॉर्मूला बनेगा n-1/2 यानी कि 12-1/2, तो 11/2 करेंगे तो 5.5 मंथ आ जाएगा यहाँ पे, तो इसमें 5.5 मंथ का लगेगा यानी कि 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 और इंटू 5.5/12 ये लगेगा इस पर इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें तो 12+1/2 करेंगे, ये 12/2 रहेगा n/2 और ये n-1/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 12 में से 1 लेस करेंगे तो 2/2 तो 5.5 है। आगे बात समझ में, हर मंथ ड्राइंग कर रहा है हर मंथ, लेकिन ये लास्ट में कर रहा है ना, लास्ट में, तो इसीलिए 1 माइनस करा है इसमें से, क्योंकि जो 31 मार्च को उसने ड्राइंग करी होगी एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च, उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। 31 मार्च को अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा क्या, जब हमने लास्ट लेक्चर में लिया था तो नई इंटरेस्ट कैलकुलेट करी थी ना ऐसी, इसलिए यहां पे माइनस वन करा है इसीलिए। तो अब फॉर्मूला समझो, n+1/2 n/2 n-1/2, बोलो यहां तक किसी को समस्या है कि ये फॉर्मूले आप अगर ऐसे बनाना सीख जाओगे तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूरे 12 महीने का हो उसे n में लिखेंगे 12, हर मंथ ड्रॉइंग कर रहा है इसलिए +1 और -1 का कंसेप्ट रहेगा, क्योंकि हर मंथ कर रहा है ना हर महीने। ठीक है, और अपॉन टू, यहां तक बोलो कोई समस्या है किसी को, अगर अभी हम चेंज करेंगे और समझेंगे और क्या क्या वैरायटीज इस क्वेश्चन के अंदर आ गई। यहां तक कोई समस्या है, अब इसको अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट यहां पे हो जाती है। ठीक है, अब ये उद्देश्य ये नहीं है इसको कैलकुलेट करना, पहले प्रॉब्लम इसका ये है ऑब्जेक्ट कि अपन को कितने मंथ का इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, पहले हमें यह समझना है। तो इस पर 6.5 मंथ का लगेगा,
इस पे 6 मंथ का लगेगा और इस पे 5.5 का लगेगा, ठीक है। तो इसे मैं तो कर रहा हूं इरेज, लेकिन अब जरा और सुनो इसको क्वेश्चन को। और अगर क्वेश्चन 12 महीने का ही है, पूरे क्वेश्चन 12 महीने का, वो 12 मंथ का है, पहले मैं कंडीशन समझा रहा हूं आपको, ठीक है। कंडीशन क्या है, पूरे 12 महीने का क्वेश्चन है तो वही एन, वही 12 लेंगे। अब वो हर मंथ ड्रॉइंग नहीं कर रहा, हर मंथ ड्रॉइंग नहीं कर रहा, हर 2 मंथ में ड्रॉइंग कर रहा है। कितने मंथ में ड्रॉइंग कर रहा है? हर 2 मंथ में। अभी यहां पे क्या था, हर महीने ड्रॉइंग कर रहा है, अभी मैं क्या बोलूं, हर 2 मंथ में ड्रॉइंग कर रहा है। हर 2 मंथ में ड्रॉइंग करेगा वही, स्टार्टिंग में, मिडिल में और लास्ट में। तो अपने को एन प्लस 2/2, इधर यही रहेगा एन अपॉन 2 और इधर रहेगा एन माइनस 2/2। हर 2 महीने में ड्रॉइंग करेगा, स्टार्टिंग में, मिडिल में और लास्ट में। क्वेश्चन पूरे 12 महीने का है, तो यानी कि 12 + 2/2 करेंगे तो 7 महीने का इस पर लगेगा इंटरेस्ट। इसमें 12/2 करेंगे तो इसमें 6 का ही लगेगा, और इसमें 12 - 2/2 करेंगे तो इसमें लगेगा जी 5 का। ये मंथ आ रहा है मंथ, ठीक है। यहाँ पर 7 मंथ का, ठीक है, यहाँ पर 6 मंथ का और यहाँ पर 5 मंथ का। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये को क्या है, एन प्लस 2, यानी हर 2 महीने में, हर 2 महीने के स्टार्टिंग में, मिडिल में और लास्ट में। अच्छा, कोई क्वेश्चन इस बात का है, अगर ये हर 2 महीने में ड्राइंग करेगा तो 1 साल में कितनी बार ड्राइंग करेगा? 6 टाइम, 6 टाइम ड्राइंग करेगा। बात समझ में आ रही है? हर 2 महीने में करेगा तो 12 मंथ होते, हर 2 महीने में करेगा तो 12 में 2 का डिवाइड दोगे तो 6 टाइम ड्राइंग होगी, नहीं होगी? बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका मतलब अब यानी कि अगर 2000 रुपए हर 2 महीने में निकालता है तो 6 टाइम निकालेगा, तो 2000 का मल्टीप्लाई अगर अपन 6 से कराएंगे तो 12000 आ जाएगा जी। 12000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 और इनटू 7/12, 7 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। बात समझ में आ रही है? 7/12 फॉर्मूले से निकाला है, बस ये फॉर्मूले समझ में आने चाहिए। अब ये भी समझ में आना चाहिए दो चीज, एक तो फॉर्मूले को अपन समझ लें और ड्रॉइंग कितने टाइम करेगा। भाई अगर हर 2 महीने में ड्रॉइंग करेगा तो ये 1 साल में 6 बारी तो ड्रॉइंग करेगा। बात समझ में आ रही है? 1 साल में 6 बार, हर महीने करेगा तो पूरे के पूरे 12 महीने ड्रॉइंग करेगा। तो इसलिए यहाँ पे तो हर महीने ड्रॉइंग कर रहा था ना, तो इसलिए यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई 2000 से कराया था। यहाँ पे ये हर 2 महीने में करेगा तो कितने टाइम्स ड्रॉइंग कर सकता है? 6 टाइम, क्योंकि 12 में अगर 2 का डिवाइड दोगे तो 6 बार आपकी ड्रॉइंग हो सकती है। बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से? अच्छा, अगर इसमें अपन करेंगे तो वो 12000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 और इंटू 6/12, और अगर ऐसी इसकी बात करें तो 12000 इंटू 12/100 और इंटू 5/12 ये लगेगा इस पॉइंट। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? फॉर्मूले का ध्यान रखना है, जैसे हर महीने ड्रॉइंग कर रहा है, हर 2 महीने में ड्रॉइंग कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूरा का पूरा कितने महीने का? 12 महीने का। हर मंथ ड्रॉइंग करेगा 12 बार ड्रॉइंग होगी, हर 2 महीने में ड्रॉइंग करेगा 6 बार ड्रॉइंग होगी। अब क्वेश्चन इस बात का है कि सर आपने मंथली समझा दिया, आपने हर 2 मंथ में समझा दिया, अगर क्वार्टरली करेगा तो क्या होगा? तो क्वार्टरली से करेंगे हम, क्वार्टरली मतलब होता है हर 3 महीने में। क्वेश्चन वही पूरे 12 महीने का रहेगा, क्वार्टरली ड्रॉइंग करेगा तो कितनी बार ड्रॉइंग होगी? 4 बार। क्वेश्चन आया था लास्ट में अभी जब अपने लिया था, जिसके अंदर क्या था, 5000 रुपीज सैलरी जो देनी थी, वो ईच क्वार्टर देनी थी ना पार्टनर को, तो 5000 का मल्टीप्लाई 4 से कराया था तो 20000 की उनको सैलरी दी थी। ऐसी सेम ड्रॉइंग है, अगर वो क्वार्टरली ड्रॉइंग करेंगे, क्या करेंगे? क्वार्टरली, क्वार्टर के स्टार्ट में, क्वार्टर के मिडिल में, क्वार्टर के लास्ट में। बात समझ आ रही है? क्वार्टर के स्टार्टिंग में, क्वार्टर के मिडिल में, क्वार्टर के लास्ट में। क्वेश्चन पूरे के पूरे कितने महीने का रहेगा? 12 महीने का। तो फिर कैसे करेंगे, जरा इसको समझ लो, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। यहां पर हर महीने ड्रॉइंग थी या हर 2 महीने में ड्रॉइंग थी, अब क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में ड्रॉइंग रहेगी। बात समझ आ रही है? तो हर 3 महीने में ड्रॉइंग रहेगी, तो इसी में चेंज कर रहा हूं मैं इसको, बन ये रहेगा एन अपॉन 2 और ये हो जाएगा एन 3/2। बात समझ में आ रही है? हर महीने ड्रॉइंग थी तो 1 यूज करा, हर 2 मंथ में ड्रॉइंग थी तो 2 यूज करा, हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली तो कितने यूज करा? 3। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो, कोई समस्या है तो इसमें? अब देखो इसको यहां से इरेज कर, फिर एक चीज समझाते हैं। अब सुनो, अब कोई पूछेगा कि भाई हर 3 महीने में ड्रॉइंग करें स्टार्टिंग में, तो क्वेश्चन पूरे 12 महीने का है, अगर हर 3 महीने में ड्रॉइंग करेंगे तो 1 साल में कितनी बार ड्रॉइंग हो सकती है? 4 बार, क्योंकि 12 में आप 3 का डिवाइड दे दो तो हर केवल कितनी बार ड्रॉइंग कर सकते हो? 4 बार ड्रॉइंग कर सकते हो पूरे साल के अंदर, ठीक है, फुल ईयर के अंदर 4 टाइम्स ड्रॉइंग हो सकती है। तो इसका मतलब 2000 रुपए अगर पर क्वार्टर, अब मंथली नहीं ले रहे, पर क्वार्टर की बात कर रहे हैं, अगर 2000 रुपए पर क्वार्टर करेगा तो इंटू कितनी बार? 4, तो ये हो गया जी आपका 8000, ठीक है। कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा वो देख लो, 12 + 3/2, तो यानी कि 12 और 3 हो गए 15/2, तो 7.5 मंथ का। तो यानी कि यहां पे लिखेंगे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इंटू 7.5/12 है,
बोले बात समझ में आ रही है, सब कुछ सेम ही तो है, बस कैलकुलेशन किस चीज की करनी है, बस इसकी मंथ की, कितने मंथ का इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये मेन क्वेश्चन है इसमें, कितने मंथ का। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो वही एन अपॉन टू करेंगे तो 12.2 सिक्स मंथ का लगेगा, तो इसमें 8000 इंटू 1200 12% 12/100 इंटू 6/12, बात समझ में आ गई। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे जैसे 12/2 करा तो इस तो 6 हो गया, यहां पे 12-3/2 करेंगे, 9 में से 2 का वो देंगे तो 4.5 मंथ आ जाएगा, तो इसमें अपन क्या करेंगे वही 8000 इंटू 12/100 और इंटू 4.5/12, बोलो भाई बात समझ में आ रही है। मंथ का ड्रॉइंग इसमें 7.5 मंथ का ड्रॉइंग, इसमें 6 मंथ का ड्रॉइंग और इसमें 4.5 मंथ का ड्रॉइंग चार्ज होगा, बात समझ आ रही है। मंथली लिया तो वन यूज करा, फॉर्मूला सेम है, एन कितने मंथ का क्वेश्चन है, हर महीने ड्रॉइंग कर रहे हो तो प्लस वन और माइनस वन रहेगा, हर टू मंथ में कर रहे हो प्लस टू माइनस टू रहेगा, क्वार्टरली कर रहे हो तो प्लस थ्री रहेगा माइनस थ्री रहेगा, दैट्स इट। बीच वाले में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, क्योंकि बीच में तो कोई चेंज करना ही नहीं है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है कोई परेशानी। अच्छा, अब क्वेश्चन तो था एन पूरे 12 महीने का, लेकिन अब क्वेश्चन इस बात का है, क्वेश्चन अगर 9 मंथ का आएगा तो क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन 9 मंथ का आए, जैसे पार्टनरशिप स्टार्ट हुई हमारी 1 जुलाई को, समझना 1 जुलाई 2023 को स्टार्ट हुई, क्लोजिंग ईयर तो 31 मार्च ही रहेगा, तो 31 मार्च 2024 यहां से लेकर अगर हम यहां की बात करें तो 1 जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 9 मंथ का क्वेश्चन है, 9 मंथ का क्वेश्चन है, बात समझ में आ रही है। तो कितने मंथ का क्वेश्चन है, 9, तो अब सारे के सारे जो कैलकुलेशन डिपेंड होगी वो 9 मंथ के ऊपर डिपेंड होगी, बात समझ में आ रही है, 9 मंथ के ऊपर डिपेंड होगी, बात समझ में आ रही है। तो जैसे क्वेश्चन पहले देखना है कितने मंथ का है, जैसे पार्टनरशिप अगर पूरे 12 महीने की तो एन में अपन 12 चलेगा, ठीक है, और अगर क्वेश्चन 9 मंथ का है तो एन की जगह पे कितना चलेगा, 9, बस इतनी सी बात याद रखनी है। क्वेश्चन अगर 6 मंथ का है तो एन की जगह 6 चलेगा, नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीने की पार्टनरशिप है, मतलब एक साल में, जैसे स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से और 31 मार्च पूरे 12 महीने करा है तो एन में अपन लोगों ने अब तक क्या क्या लिखा है, 12, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 9 मंथ का होता तो क्या करते, तो एक बार उसको समझ लेते हैं, इसको इरेज कर दो, ये आयो की आप समझ में तो आ गया होगा ये वाला कि इसमें इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें। अब देखो जैसा क्वेश्चन अगर 9 मंथ का है तो देखो फॉर्मूला वही चलेगा, एन एन प्लस 1/2, ठीक है, एन अपॉन 2, ठीक है, और एन माइनस 1/2, लेकिन वही क्वेश्चन इस बात का है कि 9 कितने मंथ का क्वेश्चन है, मैंने सोचा 9 मंथ का मान लिया अपन ने, सपोज 9 और प्लस हर महीने ड्राइंग कर रहा है तो 9 प्लस 1/2, ठीक है, 5 मंथ का लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन है वही 9/2 4.5 का लगेगा, और यहां पर 9-1/2 करेंगे तो 9 में से 1 का तो 8/2 करेंगे तो 4 मंथ का लगेगा, यहां पर 4 मंथ का या 4.5 को या 5 का, बात समझ में आ रही है क्या। हर 3 महीने में ड्रॉइंग करेगा, क्वेश्चन 9 मंथ का ही है तो यहां पे प्लस 3 माइनस 3 और एन की जगह पे आ जाएगा 9, दैट्स इट। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसे बोलते हैं रेगुलर बेसिस पर ड्रॉइंग, क्या बोलते हैं इसे, रेगुलर बेसिस पर ड्रॉइंग। अब क्या बताया, अगर कोई पार्टनर रेगुलर बेसिस पर ड्रॉइंग कर रहा है तो रेगुलर बेसिस का मतलब या तो उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होगा भाई, इस टाइम वो करेगा और अमाउंट भी फिक्स होगी, सपोज दैट वो हर मंथ ड्रॉइंग करता है, हर मंथ तो रेगुलर बेसिस हो गया, हर मंथ करता है, अमाउंट फिक्स होगी कि हर महीने 5-5 हजार करेगा, 5-5 हजार ही कर रहा है, हर महीने कर रहा है रेगुलर बेसिस से, अमाउंट सेम रहेगी और ये भी सेम रहेगा कि कब ले रहा है, मंथ के स्टार्टिंग में ड्रॉइंग कर रहा है, मंथ के मिडिल में ड्रॉइंग कर रहा है या मंथ के लास्ट में। अच्छा, अब तुम यहां कहोगे ये ऐसे कैसे आपने बताया, जब पार्टनरशिप डीड का पॉइंट पढ़ा रहे थे तो पार्टनरशिप डीड के अंदर ये लिखा हुआ था ना कि कोई भी पार्टनर ड्रॉइंग करेगा ये अमाउंट बतानी पड़ेगी, कब कब करेगा ये बताना पड़ेगा, बात समझ आ रही है। तो ये वही तो चीज है कि कब कब ड्रॉइंग करेंगे, यानी रेगुलर बेसिस पर ड्रॉइंग कर रहे हैं, कब कब कर सकते हो, यानी कि मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के मिडिल में या मंथ के लास्ट में, कितनी अमाउंट की कर सकते हो, ये दोनों चीजें, यानी रेगुलर बेसिस का मतलब समझ रहे, रेगुलर हो रहा है, हर महीने ड्रॉइंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कर रहे हैं या मिडिल में कर रहे हैं या लास्ट में कर रहे हैं। फॉर्मूला एक ही याद रखना है, एन प्लस वन याद नहीं करना, एन प्लस वन इसलिए लिखते हो क्योंकि हर महीने है, लेकिन अगर मैं कहूं हर 3 महीने में तो एन प्लस 3/2 हो जाएगा, हर 6 मंथ में तो 12+6/2, हर 6 मंथ में ड्रॉइंग कर रहे हैं पूरे 12 महीने का क्वेश्चन है तो एन हो गया 12, तो 12+6/2 12/2 12-6/2, बात समझाई। एन कितने मंथ की पार्टनरशिप है, कितने मंथ, ठीक है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स, पहला।
ये प्लस वन और माइनस वन का क्या सीन है, हर मंथ ड्रॉइंग करा तो प्लस वन और माइनस वन है, क्वार्टरली करेगा तो प्लस थ्री और माइनस थ्री है, हर सिक्स मंथ में करेगा तो प्लस सिक्स और माइनस सिक्स है। बात समझ में आ रही है? और एन का मतलब समझ गए, नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए फॉर्मूला है, मिडिल के लिए फॉर्मूला है, लास्ट के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम है, कोई दिक्कत इसमें परेशानी। इसे बोलते हैं रेगुलर बेसिस पे ड्रॉइंग, रेगुलर बेसिस पे। तो जैसे अपन ने एक अभी जब स्टार्टिंग बताया तो बताया था ना, ए है पार्टनर 2000 रुपी पर मंथ ड्रॉइंग कर रहा है, 12% पर एनम से है, स्टार्टिंग में करेगा, अगर ये पर मंथ से कर रहा है तो एक, अगर पूरा का क्वेश्चन 12 महीने का है तो कितनी बार ड्रॉइंग करेगा, 12 बार, तो 24,000 ड्रॉइंग हो गई। क्योंकि भाई इस पे भी तो डिपेंड करता है ना, ड्रॉइंग कितनी बार हो रही है, तो 2000 रुपए अगर पर मंथ निकाल रहा है तो 12 बार ड्रॉइंग हो गई, तो 12 × 24,000, ठीक है। और अगर मान के चलो पूरे क्वेश्चन 12 महीने का ही है तो 12 + 1/2 तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। एक बार दोबारा बता देते हैं, जैसे 24,000 इंटू 12% और इंटू 6.5/12, अगर क्वेश्चन पूरे 12 महीने का और स्टार्टिंग में करता है तो, और लास्ट में करेगा तो कितना लगेगा, 12 − 1/2 करेंगे तो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें तो 12/2 करेंगे तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर हर महीने ड्रॉइंग कर रहा है 12 बार ड्रॉइंग होगी तो मल्टीप्लाई 12 का होगा अमाउंट का, अमाउंट का मल्टीप्लाई 12 से। क्वार्टरली कर रहा है तो जितनी अमाउंट उसका मल्टीप्लाई कितने से होगा, 4। भाई एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अगर वो हर 5,000 रुपए पर क्वार्टर कर रहा है, 5,000 तो 5,000 करेगा तो कितनी बार करेगा, एक साल में 4 बार, तो 5,000 का मल्टीप्लाई अपन कितने से करेंगे, 4 से, तो 20,000 ड्रॉइंग हो गई इसकी। बात समझ में आ रही है? हर 2 महीने में ड्रॉइंग करेगा तो कितनी बार करेगा, 6 times, ठीक है। पहले तो अपन को यही समझ लेना है, अगर आपको ये चीज क्वेश्चन में समझ में आ गई तो इसमें कोई भी इतनी कठिन वाली बात नहीं है कि जो नहीं हो, बस फॉर्मूले अपने को समझ में आना चाहिए। यहां पे प्लस वन क्यों लिख रहे हैं, यहां माइनस वन क्यों लिख रहे हैं, ये हर मंथ की बात चल रही है, हर 3 मंथ की बात चलेगी तो यहां पर 3, हर 6 मंथ की बात चलेगी तो यहां 6, क्वेश्चन अगर 12 मंथ का है तो 12, क्वेश्चन अगर 9 मंथ का है तो 9, क्वेश्चन अगर 6 मंथ का है तो 6। बात समझ आ गई? जितने महीने का क्वेश्चन होगा एन वो यूज करेंगे, हर मंथ ड्रॉइंग कर रहा है तो 1 यूज होगा, हर 2 मंथ में होता है तो 2 यूज होगा, हर क्वार्टरली यूज हो रहा है पर क्वार्टर यूज हो रहा है तो 3 यूज होगा। बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला इससे बनेगा, रटना कुछ है नहीं है, ठीक। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेगुलर बेसिस, ठीक। अब इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, उसको और समझ लीजिए एक बार। तो ये तो रेगुलर बेसिस पर ड्रॉइंग है, ये फॉर्मूला रहेगा स्टार्टिंग में, मिडिल में और लास्ट में, बस ये चीज चेक करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, जैसे मान के चलो ए एक पार्टनर है और वो ड्रॉइंग करता है हर मंथ 2000 रुपए की, समझना क्वेश्चन, ए एक पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, वो हर मंथ 2000 रुपए की ड्रॉइंग करता है, 2000 रुपए ड्रॉइंग करता है पर मंथ। लेकिन ये कहीं नहीं है क्वेश्चन में कि कब करता है। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर लास्ट में करता है या मिडिल में करता है या स्टार्टिंग में करता है, कुछ तो बता दो। जब कुछ पता नहीं है तो अपन को कौन सा मान के चलना, मिडिल, मतलब एवरेज, ये एवरेज ही तो है, इससे अपन को मिडिल मानना है। बात समझ में आ रही है? मिडिल मान के ही करेंगे तो इस पर कितने मंथ का लगेगा, 12/2, 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और ये भी अपन ने नॉर्मल भी बता दिया था जब अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ना इसमें अपन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, जैसे कि अपन ने अभी ये जो टॉपिक पढ़ा है इसमें अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के, ठीक है, तो उसको जरा समझो। जैसे मान के चलते हैं ए एक पार्टनर है, ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग, ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग फॉर रुपीज 1 lakh, यानी कि ए एक पार्टनर है और इसने ड्यूरिंग द ईयर जो ड्रॉइंग करी है फॉर रुपीज 1 lakh रुपीज की करी है, ठीक है। अब जरा समझना, और यहां पे लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं एक चीज समझा देता हूं। अगर ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, क्या होता है कि पेपर जो 100 नंबर का आता है ना, जैसे 80 नंबर का पेपर आता है, 80 नंबर का पेपर सब बच्चों के लिए नहीं होता। बात समझने की कोशिश करना, 80 में से 80 नंबर वही लेके आएगा जिसके कंसेप्ट एक एक क्लियर होंगे, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं पर भी क्वेश्चन अड़ा सकता है, तो नंबर नहीं आने देंगे पूरे के पूरे 80 में से 80। बात समझ, इसलिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है क्लियर होना। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एक पार्टनर है, ड्यूरिंग द ईयर इसने ड्रॉइंग करी है रुपीज 1 lakh, पूरे साल में 1 lakh रुपए की ड्रॉइंग करी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट है 10% पर एनम। पूरी बात समझ में समझ लेना, ठीक है। ए एक पार्टनर, ड्यूरिंग द ईयर इसने ड्रॉइंग करी 1 lakh रुपए की, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% पर एनम है। बात समझ आ गई? चलो 10% को छोड़ के अपन लिख देते 12% पर एनम, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब एक तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें अपन को इंटरेस्ट निकालना है। तो जैसे देखो अपन इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जरा समझो, इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग ईयर
रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% यानी 12 उन्होंने पर एनम दे रखा है। लेकिन फिर वही बात आ गई, क्वेश्चन में ये बात गिवन नहीं है किस डेट पे ड्रॉइंग की गई है, किस मंथ में ड्रॉइंग की गई है। इसने 1,00,000 रुपए जो निकाले हैं वो कब निकाले, किस मंथ में निकाले नहीं मालूम। तो अपन ने तो बता दिया था एवरेज करेंगे 6 मंथ का लगेगा, ठीक है। तो या तो अपन इसमें 6/12 लिख सकते हैं या फिर इसमें 1/2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,00,000 का 12% 12,000 और उसका आधा करेंगे तो 6,000 आ जाएगी। बोलो ये बात समझ आ गई सबको अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। पहला है, इस क्वेश्चन के आगे से पर एनम हटा देते हैं, समझना ढंग से। पर एनम इस क्वेश्चन के आगे से हटा दिया है, लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और ऊपर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग 1,00,000 करी है, ठीक है। अब आ जाओ जरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है 1,00,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100, पर एनम तो नहीं दे रखा। बोलो पर एनम दे रखा है तो बताओ, पर एनम नहीं दे रखा ना। अब जरा इसको यहां पर ढंग से समझना, अगर इस क्वेश्चन में ये होता कि इसने ड्रॉइंग 1,00,000 रुपए की करी है, किस मंथ में करी है, मंथ गिवन होता, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जो भी मंथ होता गिवन होता, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल 12% है, मंथ इग्नोर हो जाता है। यहां पे कहीं पर एनम लिख रहा है क्या? नहीं लिख रहा ना, केवल 12% लिख रहा है। तो सीधे 1,00,000 पर 12% लगेगा, सीधा का सीधा 12,000 सीधे पर एनम से। देख लो यहां पे कंडीशन चेंज हो गई, 12% पर एनम नहीं लिख रहा ना, 12% लिख रहा है ना। अब यहां पे अगर मान के चलो ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1,00,000 और ये भी दे रखा होता टाइम ड्यूरेशन, किसने जुलाई में करी है या अगस्त में करी है, सपोज दैट मान के चलते ये ड्रॉइंग अगर मान के चलो इसने अगर सितंबर में की होती, ठीक है, 1 सितंबर को, 1 सितंबर को, तो तुम कहते कि सर 1 सितंबर को ड्रॉइंग करी है तो आप पूरे साल का क्वेश्चन है, मार्च एंडिंग है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए था? 7 मंथ का कैलकुलेट होना चाहिए था, 7 मंथ का, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल 12% है, पर एनम नहीं लिख रहा ना। अगर क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिख रहा है तो मंथ को इग्नोर कर देते हैं, कहां लिख रहा है इसमें पर एनम। तो जितनी ड्रॉइंग करोगे कभी भी करोगे फ्लैट 12% देना है, तो सीधे 1,00,000 का 12% सीधे 12,000। ड्रॉइंग अगर ये 1 मार्च को भी करेगा तो भी कितना है, सीधे 12% मंथ इग्नोर कर दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? 12% अगर पर एनम होता है तो मंथ लिए थे अभी, ठीक है, समझ रहे हो। अगर 12% दे रखा है तो मंथ को इग्नोर कर देते हैं। दो कंडीशन समझ में आ गई, एक तो जब ड्रॉइंग दे रखी है 1,00,000 रुपए की ड्रॉइंग करी है, इसमें पर एनम दे रखा था, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट ये बनी थी कि 12% पर एनम है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मंथ इसने कब ड्रॉइंग करी है। बात समझ, तो अपन ने एवरेज लिया, पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी ये क्वेश्चन अड़ा सकता है इस चीज को लेकर, दैट्स इट। पहला, दूसरा ये रखा है 1,00,000 की ड्रॉइंग करी है, लेकिन यहाँ पे अब परिणाम ना लिख के केवल 12% लिखा हुआ, केवल 12%, तो मंथ को इग्नोर कर दिया जाता है। ये ड्रॉइंग कभी भी करे फ्लैट 12% देना 12,000। दो पॉइंट, तीसरा है इंटरेस्ट का, इन्होंने 1,00,000 की ड्रॉइंग करी है, 12% परिणाम है और 1 सितंबर को करी, ये भी गिवन है, तो अपन यहां पर लिखेंगे 12% और इंटू सेप्टेंबर भी, यानी कि अपन को परिणाम भी गिवन है और अपने को ये भी पता है कि इन्होंने कब ड्रॉइंग करी है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, यानी कि कितने मंथ का कैलकुलेट होगा, 7/12 मंथ का। बात समझ में आ गई? तो यहां पे आ जाएगा जी आपका 7,000, 12 से 12 कर देंगे 2 0 से 7,000। बात समझ आ रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टॉपिक है ये, पहले परिणाम दे रखा है लेकिन मंथ गिवन नहीं है, एवरेज 12% दे रखा, परिणाम है ही नहीं है क्वेश्चन में, परिणाम क्वेश्चन में है ही नहीं है, मंथ इग्नोर कर दो कभी भी ड्रॉइंग करे, मंथ हो नहीं हो हमें लेना देना ही नहीं है, मंथ होगा तो भी इग्नोर करेंगे, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधे 1,00,000 का सीधे 12% लगाया, कभी भी ड्रॉइंग करे, ठीक है। दो पॉइंट, और तीसरा 12% पर एनम भी गिवन है और अपने को ये भी गिवन है कि किस मंथ में करी है, तो ड्रॉइंग चार्ज, इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कोई दिक्कत है कोई परेशानी है? आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अपन ने पूरा जो टॉपिक है कवरेज है पूरा कंप्लीट कर लिया इसके अंदर, ठीक है। आप एक बार इसका रिवीजन करें और इस वाले टॉपिक को, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको अच्छे से रिवाइज करें क्योंकि इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं और ये क्वेश्चन में कहीं पे भी आ सकते हैं। अगर आपको पूरे पॉइंट आपको अच्छे से नहीं आए तो ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, एक बार इसको आप अच्छे से रिवीजन करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।